जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको गुज़श्ता ईद मुबारक। आज हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ईकैट के हवाले से भी, और डेटाबेस का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर ईआरडी डायग्राम के बारे में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस करनी हैं और डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस इसमें हमने पढ़ना है। सो डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस क्या होता है, इससे मुराद ये है कि डेटाबेस को हम बनाते कैसे हैं। जब भी कोई कंपनी, कोई अदारा किसी भी डेटाबेस को क्रिएट करता है, तो उसको क्रिएट करने के लिए वो किन प्रोसेस से होकर गुजरता है, उसको हम डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस कहते हैं। तो यही इस चैप्टर का नाम भी है, डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। तो हमने इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं डेटाबेस को बनाने के लिए, उसके बाद क्या करते हैं, एंड सो ऑन, स्टेप बाय स्टेप हम किस तरह से उसको अपने तकमील तक पहुंचाते हैं, उसको फिर इम्प्लीमेंट करवाते हैं। सो इसे डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसके अंदर बहुत से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं जो कि मैं साथ साथ आपको बताऊंगा। तो इस चैप्टर में जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो वो ये कह रहा है कि डेटाबेस को डिज़ाइन करने के जो स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं। एक बात बड़ी अहम याद रखनी है कि ये वो स्टेप्स हैं जो कि फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने SDLC में पढ़े थे, सेम उसी तरह से है ये, तकरीबन 90% सेम है ये। तो यहाँ पे मुकम्मल इसको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, सिर्फ चार पहले जो फर्स्ट फोर स्टेप्स हैं सिर्फ उनको एक्सप्लेन किया हुआ है। बाकी उसने कहा कि हमारे कोर्स से कॉन्टेंट से रिलेटेड नहीं है बातें, तो हम फिर वो बाद में पढ़ेंगे। तो वो क्या प्रोसेस है, देखिए जब भी किसी कंपनी किसी इदारे के पास डेटाबेस बनने के लिए आता है, तो सबसे पहले वो करते हैं फिजिबिलिटी स्टडी, जिसे फर्स्ट ईयर में हमने SDLC के अंदर पहला जो स्टेप पढ़ा था उसका नाम था प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। इसी तरह से यहाँ पे फिजिबिलिटी स्टडी होती है। इसका क्या मतलब है, इसके अंदर हम पूरा इन्वेस्टिगेट करते हैं, मुशाहिदा करते हैं कि डेटाबेस किस तरह का है, कितना हमें इसके ऊपर टाइम लगेगा, कितना हमारे इसके ऊपर कॉस्ट आएगी, कितना हमें इसके अंदर प्रॉफिट होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारा एनालिसिस करना, ये किसके अंदर आता है, फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर आता है। इसके अलावा हम एक प्रॉपर चौक आउट कर लेते हैं इस पहले स्टेप के अंदर कि हमने सॉफ्टवेयर बनाना कैसे है, हमने इस डेटाबेस को कैसे बनाना है। कई दफ़ा ऐसी सिचुएशन आती है कि डेटाबेस हम क्रिएट कर ही नहीं सकते, वो कोई ऐसा इस तरह का डेटाबेस होता है जो कि हम नहीं बना सकते, या तो उसमें हमें फाइनेंशियल लॉस हो रहा होता है, या फिर टाइम उसके अंदर बहुत ज़्यादा लग रहा होता है, या फिर किसी तरह से पॉलिटिकली वो सही सॉफ्टवेयर नहीं होता या डेटाबेस सही नहीं होता, हम उसको नहीं बना पाते। तो इस पहले स्टेप के अंदर ही हम फुल स्टॉप लगा देते हैं और अपने कस्टमर को बता देते हैं कि भाई ये नहीं बन सकता। लेकिन अगर हम बना सकते हैं तो फिर उसकी प्रॉपर प्लानिंग कर लेते हैं। प्रॉपर प्लानिंग करने के बाद जो अगला स्टेप है हमारे पास, वो है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, यानी इसके अंदर हम यूज़र की मुकम्मल रिक्वायरमेंट्स यानी कि उसकी ज़रूरियात, इसको रिक्वायरमेंट एनालिसिस का दूसरा नाम नीड एनालिसिस भी है। जिस तरह से फिजिबिलिटी स्टडी का नाम मैंने आपको बताया प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, इसी तरह से रिक्वायरमेंट एनालिसिस का नाम नीड एनालिसिस भी है। इसके अंदर हम मुकम्मल तौर पर जो नीड्स हैं कस्टमर की वो गेट करते हैं, उसे पूछते हैं भाई तुम्हें एक्चुअली चाहिए क्या, तो सारी रिक्वायरमेंट्स हमारे पास होंगी तभी हम काम कर सकेंगे। तो ये मैंने आपको फर्स्ट ईयर में भी SDLC में सारी चीज़ें डिस्कस की थी। उसके बाद प्रोजेक्ट प्लानिंग है। प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर हम ये देख लेते हैं कि हमारे इसके ऊपर खर्चा कितना आएगा, किसके मुताबिक। वो जो खर्चा हमने पहले देखा था वो एक टेंटेटिव हमारा आइडिया था जो हमने फिजिबिलिटी स्टडी में लगाया था। अब हम प्रॉपर खर्चा निकालेंगे, इसमें हमारे कितनी कॉस्ट आ रही है, किस तरह से, क्योंकि जब हमने यूज़र की रिक्वायरमेंट देख ली दूसरे स्टेप में, उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी कर ली, अब हमें अंदाज़ा हो गया कि हमने करना क्या है, तो फिर उसके मुताबिक हम देखेंगे हमारी कितनी कॉस्ट आएगी, कितना टाइम लगेगा। ये सारी चीज़ें देख के इसके अंदर हमारे जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं जो इस सॉफ्टवेयर को बनाने में वर्क करेंगे, उनको हम तनख्वाहें देंगे, सैलरीज देंगे, वो सारी चीज़ें निकाल के हमें कितना प्रॉफिट होगा, वो सारी चीज़ें हम अपने पास लिख लेते हैं। और सारा जितना भी हमारा खर्चा आता है फाइनेंशियल, जितना भी हमें प्रॉफिट है, वो अपना लहदा करके हम उसको बताते हैं कस्टमर को। उसके बाद जो चौथा हमारे पास स्टेप है वो है डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस से मुराद है कि जब हमारी उसके साथ डील हो जाती है, हम उसे खर्चा बता देते हैं, उसको टाइम बता देते हैं, फिर हम जो डेटा हमने उसे इकट्ठा किया हुआ रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर, हम उसको डेटा को एनालाइज करते हैं। डेटा को एनालाइज करने से मुराद ये है कि हम उसके डिज़ाइन एक करते हैं, कुछ डायग्राम्स बनाते हैं जिसके ज़रिए हम ये देखते हैं कि हमारा जो डेटा है वो डेटा बेस के अंदर जाएगा तो किस तरह से डेटाबेस को इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब शुरू से, जैसे मैं आसान अल्फाज में आपको बताता हूँ, एक सॉफ्टवेयर बनता है ना जब कोई, तो जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो उस सॉफ्टवेयर को शुरू से लेके एंड तक उसके जितने भी फंक्शंस हैं, कि सॉफ्टवेयर ऑन होगा, उसके बाद इसके अंदर अब यूज़र ये काम करेगा, अगर यूज़र इस बटन पे क्लिक करता है तो ये चीज़ उसको दिखानी है, अगर यूज़र इस आइकन पे क्लिक करता है तो ये चीज़ उसको दिखानी है, एक सारा जो उसका सिनेरियो है सॉफ्टवेयर का, सॉफ्टवेयर किस तरह वर्क करेगा, उसका एक डिज़ाइन बनाया जाता है। सेम इसी तरह से
डेटाबेस का भी डिज़ाइन बनाया जाता है कि यूज़र जब एंटर होगा इसके अंदर, जो भी डाटा एडमिनिस्ट्रेटर है जब उसके डाटा एंटर करेगा तो इस बटन पे क्लिक करेगा तो ये चीज़ दिखानी है उसको, इस बटन पे क्लिक करेगा तो ये चीज़ दिखानी है उसको, डिलीट करने लगेगा तो ये वाली कंडीशंस लगानी है। ये सारी चीज़ें जो है इनकी हम डायग्राम्स बना लेते हैं। तो कुछ डायग्राम्स के नाम फर्स्ट ईयर में भी हमने पढ़े थे, जैसे DFDs, फ्लो चार्ट्स वगैरह, फ्लो चार्ट का आपको पता होगा। इस तरह से यहाँ पे भी उसने तीन डायग्राम्स के नाम लिखे हुए हैं, DFD यानी डाटा फ्लो डायग्राम, और उसके बाद डिसीजन टेबल्स और डिसीजन ट्रीज। एक और डायग्राम होती है जो यहाँ लिखी नहीं है, हमने इस चैप्टर में पढ़नी है, वो है ERD यानी ER डायग्राम। तो ये चार हमारे पास स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करते हुए हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं। अच्छा, अब इसमें और भी स्टेप्स हैं मजीद, लेकिन हम उनके ऊपर बात नहीं करते, ना ही वो बुक में मेंशन है, क्योंकि हमारा जो कोर्स है उसके अंदर इतना जो है, इतनी चीज़ जो है वो काफ़ी है। ओके, तो वो कहता है कि नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा वो है डेटा मॉडलिंग का। और डेटा मॉडलिंग से क्या मुराद है? डेटा मॉडलिंग से ये मुराद है कि जब भी हमने डेटाबेस क्रिएट करना होता है तो कुछ चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, कोई डेटा हमारे पास होना चाहिए जिसको देखते हुए हम ये डायग्राम्स बना सकें, हम ये डिज़ाइनिंग कर सकें, जो हमने भी पीछे डाटा एनालिसिस में पढ़ा ना, DFD, डिसीजन टेबल, डिसीजन ट्रीज वगैरह। तो डाटा मॉडलिंग कौन सा प्रोसेस है? डाटा मॉडलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द डाटा ऑब्जेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप। डाटा ऑब्जेक्ट्स इसे कहते हैं, आपको याद होगा, अगर नहीं याद तो याद होना चाहिए, मैं आपको फिर बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि टेबल को ऑब्जेक्ट या डाटा ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, सेट भी कहते हैं, डेटा सेट भी कहते हैं। तो वो कहता है कि डेटा मॉडलिंग ये प्रोसेस है जिसके अंदर जो डेटा ऑब्जेक्ट्स हैं यानी टेबल्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए कि भाई इस पूरे डेटाबेस में टेबल्स कौन कौन से हैं। फॉर एग्जांपल, एक कॉलेज का अगर डेटाबेस है, उसके अंदर एक एम्प्लॉइज़ का टेबल होगा, एक टीचर्स का होगा, एक स्टूडेंट्स का होगा, प्रिंसिपल्स का होगा, ठीक है, जूनियर स्टाफ का होगा, क्लर्क्स का होगा, ठीक है, रजिस्ट्रार का होगा, हर डिपार्टमेंट का जो है अलग अलग टेबल होगा। तो जितने भी टेबल हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनकी पहचान करना। देखें, जब हमें सही तरह से पता ही नहीं है कि टेबल कौन कौन से इस डेटाबेस के अंदर हैं, हम कैसे काम कर सकेंगे, तो उन टेबल्स की शिनाख्त करना, टेबल को पहचानना, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको अपने पास नोट डाउन कर लेना, और उसके बाद उन टेबल्स का आपस में रिलेशनशिप बनाना, उनका रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना, किस टेबल का किसके साथ ताल्लुक हमने जोड़ना है। तो ये चीज़ पता लगेगी तो हम डेटाबेस का डिज़ाइन करेंगे ना, ठीक है। तो ये होता है डेटा मॉडलिंग का प्रोसेस जो हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। अब आगे हम जो करने लगे हैं वो डेटा मॉडलिंग का प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है कि डेटा मॉडलिंग में हम कौन कौन सी चीज़ें आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले जो हम चीज़ आइडेंटिफाई करते हैं वो है हमारे पास ऑब्जेक्ट्स यानी कि एंटिटीज़ यानी कि टेबल। ये टेबल का दूसरा नाम है ना, आपको मैंने बताया था चैप्टर 2 में भी। तो वो कह रहा है सबसे पहले जो चीज़ें हम आइडेंटिफाई करते हैं वो क्या है कि टेबल्स कौन कौन से हैं इस पूरे डेटाबेस के अंदर। दूसरे नंबर पे जो चीज़ हम आइडेंटिफाई करते हैं वो ये है कि इन टेबल्स के एट्रीब्यूट्स कौन से हैं, मतलब इनकी फील्ड्स कौन सी हैं। अगर मैंने आइडेंटिफाई किया टेबल एक टीचर का, तो उस टीचर के टेबल में कौन कौन सी फील्ड्स होनी चाहिए, कौन कौन सी फील्ड्स हैं जो यूज़र को रिक्वायर है। और अगर मैं एक टेबल आइडेंटिफाई करता हूँ एम्प्लॉइज़ का, तो उसके अंदर कौन कौन सी फील्ड्स होनी चाहिए, मतलब एट्रीब्यूट्स टेबल को, फील्ड को कहते हैं ना। तो टेबल्स की शिनाख्त करने के बाद उनके अंदर फील्ड्स कौन सी हैं उनकी पहचान करना ज़रूरी है डाटा मॉडलिंग के अंदर। और तीसरा काम जो हम ये इसके अंदर करते हैं, जो इसका इंग्रेडिएंट है, इंग्रेडिएंट कहते हैं इसका कंपोनेंट, डाटा मॉडलिंग जो हम काम कर रहे हैं उसके अंदर तीन चीज़ें हमें रिक्वायर है, तीन इसके अज्जा हैं। पहला जो कंपोनेंट है वो टेबल्स जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं यानी कि एंटिटीज़, और दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है एट्रीब्यूट्स, उन टेबल्स की फील्ड्स, और तीसरी चीज़ क्या है, उनका आपस में रिलेशनशिप, उनका आपस में ताल्लुक क्या है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें आइडेंटिफाई करते हैं तो फिर हम डाटा मॉडलिंग में आगे बढ़ सकेंगे, फिर हम डाटा मॉडलिंग में मज़ीद काम कर सकेंगे, ठीक है जी। अच्छा, एक क्वेश्चन है जी सर, ECAT के लिए डाटा भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या सी लैंग्वेज? बेटा सी लैंग्वेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सी लैंग्वेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंट्री टेस्ट के वाले से भी और इंटर में भी आपको पता है कि सी लैंग्वेज ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, उसमें ज़्यादा पेपर आता था। ओके, तो अच्छा यहाँ पे मैं एक दो पॉइंट्स आपको बताने लगा हूँ, ये आपने जहन में रखने हैं और इम्पोर्टेंट है। जब भी हम दो टेबल्स का या दो से ज़्यादा टेबल्स का आपस में रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, जब भी दो टेबल्स का रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करते हैं, टेबल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रेक्टेंगल बनाते हैं, ये बात याद रखनी है। ये MCQ पूछ सकता है आपसे कि डायग्रामेटिकली टेबल को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, रेक्टेंगल से। तो इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल एक टेबल है टीचर का, टीचर, एक टीचर का टेबल है, और ये जो है ये स्टूडेंट का टेबल है,
तो ये एंटिटी का नाम मैंने अंदर इसके लिख दिया इस तरह से, डायग्रामेटिकली इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। और रिलेशनशिप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन से एक लाइन लगा देते हैं, तो इसका मतलब है इनका रिलेशनशिप है। ये एमसीक्यू भी है बड़ा इंपॉर्टेंट, रिलेशनशिप इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन। अच्छा, टीचर और स्टूडेंट इनका ताल्लुक क्या है, ये तो लिखना ना दरमियान में, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे टीचर टीच स्टूडेंट्स, टीच, ठीक है, टीचर टीच करता है स्टूडेंट को। अब यहाँ पे एक बड़ी अहम बात आपने ध्यान में रखनी है, टीचर और स्टूडेंट का ताल्लुक जो है वो इसके अलावा भी हो सकता है। मसलन टीचर स्टूडेंट को टीच तो करता ही है, लेकिन उसके पेपर भी तो चेक करता है। टीचर जो है वो उसकी रहनुमाई भी करता है, टीच उस्ताद जो होता है, उस्ताद वो बच्चे की रहनुमाई भी करता है, वो उसको पढ़ाने के अलावा उसकी जो लाइफ है रियल लाइफ में जब जब उसने परफॉर्म करना होता है उसके बारे में उसको गाइड भी करता है, उसका इंस्ट्रक्टर भी होता है। टीचर जो है वो स्टूडेंट के पेपर के पेपर का फीडबैक भी उसको देता है, ठीक है, उसके टेस्ट बनाता भी है। तो टीचर बहुत सारे काम कर रहे, लेकिन हमने रेलेवेंट रिलेशनशिप लिखना होता है जिसको लिखने से बाकी बातें ऑटोमेटिकली वाजे हो जाएं। तो जब मैं लिखूंगा टीचर टीच स्टूडेंट, तो ऑटोमेटिकली ये बात वाजे है कि टीचर जब टीच कर रहा है तो उसके टेस्ट भी बनाता होगा, टेस्ट चेक भी करता होगा, ठीक है जी, उसको उसकी रहनुमाई भी करता होगा, उसे गाइड भी करता होगा, उसका इंस्ट्रक्टर भी है, इंस्ट्रक्शंस भी देता है उसको। तो जब हमने दो टेबल्स को आपस में रिलेट करना हो तो उनके बहुत सारे रिलेशनशिप नज़र आ रहे हों तो हमने वो लिखना होता है जो रेलेवेंट रिलेशनशिप होता है, बाकी उस रेलेवेंट को लिखना तो बाकी ऑटोमेटिकली उसमें कवर हो जाते हैं। उसके बाद वो कहता है कि जब भी रिलेशनशिप हम बनाते हैं तो रिलेशनशिप हमेशा बाई डायरेक्शनल होता है, रिलेशनशिप हमेशा क्या होता है, बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रिलेशनशिप जो है इसकी डायरेक्शन जो है वो दोनों तरफ होती है, मतलब टीचर अगर स्टूडेंट को टीच कर रहा है तो स्टूडेंट भी तो टीचर से पढ़ रहा है ना, ठीक है, ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप एक तरफ ही है, जैसे एक शख्स है वो दूसरे का भाई है, तो ऐसा नहीं है कि दूसरा उसका भाई नहीं है, दोनों एक दूसरे के भाई हैं। तो जैसे एक पेरेंट और चाइल्ड है, पेरेंट जो है वो अगर चाइल्ड के पेरेंट्स हैं तो चाइल्ड भी तो पेरेंट्स का चाइल्ड है ना, मतलब दोनों तरफ रिलेशनशिप है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि अगर टीचर जो है स्टूडेंट को टीच कर रहा है लेकिन स्टूडेंट जो है वो इससे जो है वो स्टडी नहीं कर रहा, रिलेशनशिप दोनों तरफ होता है। तो रिलेशनशिप हमेशा बाई डायरेक्शनल होता है, उसकी डायरेक्शन दोनों तरफ होती है, इसलिए कभी हम एरो नहीं लगाते, ठीक है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन नहीं है, वो बाई डायरेक्शन है, उसकी दोनों तरफ डायरेक्शन होती है। अच्छा जी, तो ये हो गया जी हमारा, जब भी हमने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना होता है उसके अंदर ये चीज़ें आपने जेन में रखनी होती है। अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है, अच्छा यहाँ पे एक दो बातें मैं आपको बता दूँ, एक चीज़ है कार्डिनैलिटी और दूसरी है मोडेलिटी, ये आगे डायग्राम में यूज़ होनी है और इम्पोर्टेंट भी है, इसके दो तीन पॉइंट्स हैं, हम वो जेन में आपने रखने हैं और उनको नोट डाउन करना है। कार्डिनैलिटी क्या होती है और मोडेलिटी क्या होती है, कार्डिनैलिटी और मोडेलिटी। कार्डिनैलिटी का ये मतलब होता है कि जब दो टेबल्स आपस में रिलेट हो रहे हैं तो एक टेबल की जो के जो रिकॉर्ड्स हैं, रिकॉर्ड्स जेन में रिकॉर्ड से क्या मुराद आ रहा है आपके, वो जो रोज़ में लिखे हुए हैं, जैसे अली का रिकॉर्ड है पूरा, असलम का रिकॉर्ड है पूरा, रिकॉर्ड एक टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो दूसरे टेबल के कितने रिकॉर्ड्स के साथ कंबाइन हो रहे हैं, रिलेशनशिप क्या बन रहा है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ये टीचर है और ये स्टूडेंट है, मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ आपको, टेबल बना देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। फर्स्ट करते हैं यहाँ पे टीचर्स के नाम है, ठीक है, जैसे यहाँ पे टीचर आईडी है, यहाँ पे उसका नेम है और सैलरी वगैरह, चलें तो यहाँ टीचर आईडी है 1 2 3 4, ये टीचर का नाम है अली, या ए बी सी डी कर लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, और इस तरफ जो है वो क्लास है, क्लास। अब फ़र्ज़ करते हैं ये डेटाबेस इस तरह का है जिस तरह एक प्राइमरी स्कूल का होता है डेटाबेस, मतलब प्राइमरी स्कूल का सिनेरियो जेन में रखें। प्राइमरी स्कूल में क्या होता है, एक टीचर एक ही क्लास को पढ़ाती है, यहाँ पढ़ाता है एक टीचर, एक क्लास का इंचार्ज है, वो उसको सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा होता है, अगर इस सिनेरियो की बात कर रहे हैं हम। तो इसमें क्या होता है कि एक टीचर जो है, जैसे अली है, जैसे ये टीचर है, ये क्लास वन को फ़र्ज़ करते हैं, ये क्लास वन है, ये क्लास टू है और ये क्लास थ्री है, तो ये टीचर एक ही क्लास को पढ़ाएगा, इस तरह से ये टीचर भी एक क्लास को पढ़ाएगा, ये टीचर भी एक क्लास को पढ़ाएगा। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप बन रहा है वो क्या है कि एक इधर से एक टीचर है तो उधर से भी एक ही क्लास है। ये कौन सा सिनेरियो, जो प्राइमरी स्कूल का सिनेरियो होता है कि एक टीचर एक क्लास को पूरा पढ़ा रहा होता है, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा होता है। तो एक टीचर जो है, यहाँ पे क्लास का टेबल है, ये टीचर का टेबल है, ठीक है, ये स्टूडेंट नहीं है, मैंने आपको एग्जांपल डिफरेंट दिया अभी,
ये इसको ज़रा जहन में रखें, समझें ज़रा। मैंने ये टीचर का टेबल बनाया और ये क्लास का बनाया, क्लास वन है, टू है, थ्री है, फोर है, ठीक है। तो हर टीचर जो है वो यहाँ से एक टीचर है, तो वहाँ से क्लास भी एक है। ये एक रिलेशनशिप की टाइप है। एक दूसरा रिलेशनशिप अगर हम कंसिडर करें, यहाँ पे अगर हम स्टूडेंट का टेबल कर दें, क्लास नहीं स्टूडेंट का टेबल, तो एक टीचर एक से ज़्यादा स्टूडेंट को पढ़ा, स्नैरी वही है प्राइमरी स्कूल वाला, क्लास एक ही है, ठीक है। तो एक टीचर के एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, बिल्कुल पढ़ा रहा है। एक क्लास में अगर 15 बच्चे बैठे हुए हैं तो वो 15 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। एक टीचर का बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ रिलेशनशिप है। अच्छा, तो क्या एक स्टूडेंट बहुत सारे टीचर से पढ़ रहा है? क्या एक स्टूडेंट, प्राइमरी स्कूल का सिनेरियो है जिसमें क्लास इंचार्ज एक ही है, एक ही क्लास टीचर है, क्या एक स्टूडेंट एक ज़्यादा टीचर से पढ़ रहा है? नहीं, एक स्टूडेंट के पास एक ही टीचर आता है क्लास में, वही उसको सारे सब्जेक्ट पढ़ाता है प्राइमरी स्कूल के सिनेरियो में। तो इधर से टीचर एक है लेकिन स्टूडेंट ज़्यादा हैं, लेकिन स्टूडेंट एक है तो टीचर एक ही है इस सिनेरियो में। अच्छा, तो ये जो रिलेशनशिप मैंने आपको पहले बताया, ये कार्डिनलिटी मैं समझा रहा हूँ आपको, तो ये जो रिलेशनशिप मैंने आपको पहले बताया जिसमें टीचर और क्लास है, एक ही टीचर और एक ही क्लास, इसको हम कहेंगे 1:1। और 1:1 को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1:1 लगाते हैं, 1:1, 1:1 रिलेशनशिप। और जो मैंने अभी बताया कि टीचर एक है, बहुत सारे स्टूडेंट है, लेकिन एक स्टूडेंट को बहुत सारे टीचर नहीं पढ़ा रहे, इस सिनेरियो में ये रिलेशनशिप कहलाएगा 1:many, ठीक है। इधर वन है, उधर मैनी है, स्टूडेंट मैनी है लेकिन टीचर एक ही है। अच्छा, और जो मैंने अभी आपको बताया, जो अब मैं आपको बताने लगा हूँ, ये समझें ज़रा, जो सिनेरियो आपका चल रहा है हमारे साथ campus.pk पे, कि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और एक स्टूडेंट आप में से कोई भी एक स्टूडेंट है, वो क्या एक, क्या एक ही टीचर से पढ़ रहा है? नहीं, वो भी बहुत सारे टीचर से पढ़ रहा है। उसके लिए फिजिक्स का टीचर अलग है, कंप्यूटर का टीचर अलग है, मैथमेटिक्स का अलग है, इंग्लिश का अलग है। तो एक स्टूडेंट मैनी टीचर से पढ़ रहा है और एक टीचर मैनी स्टूडेंट्स को पढ़ा भी रहा है, तो ये जो सिनेरियो है ये मैनी टू मैनी का कहलाएगा, ठीक है, मैनी टू मैनी। तो ये कार्डिनलिटी इस चीज़ को कहते हैं कि नंबर ऑफ रिलेशनशिप किस तरह के हैं, मतलब एक टेबल का जो इंस्टेंस है, इंस्टेंस किसे कहते हैं, रो को कहते हैं, मैंने कहा था नाम याद रखने आपने, एक टेबल में कितनी रोज हैं जो दूसरे टेबल की कितनी नंबर ऑफ रोज के साथ अटैच हैं, रिलेशनशिप बना हुआ है। तो एक रिलेशनशिप होता है 1:1, दूसरा रिलेशनशिप होता है 1:many, तीसरा होता है मैनी टू मैनी, ठीक है। अच्छा, चौथे नंबर पे होता है रिकर्सिव, रिकर्सिव ये कार्डिनलिटी की टाइप्स हम पा रहे हैं। चौथे नंबर पे कौन सा होता है? रिकर्सिव। अच्छा जी, रिकर्सिव रिलेशनशिप क्या होता है जनाब? रिकर्सिव रिलेशनशिप ऐसा रिलेशनशिप होता है जो एक टेबल का अपने साथ ही रिलेशन होता है, किसी दूसरे टेबल के साथ नहीं। ये तो दो दो टेबल के साथ है ना, ये दो टेबल, ये भी दो टेबल, ये भी रिकर्सिव का एक टेबल का अपने साथ ही रिलेशनशिप है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसकी, कि एक टेबल है, उस वो है एम्प्लॉयज़ का टेबल, एम्प्लॉयज़ वर्कर मुलाजिम, एक अदारे में मुलाजिम है, सारे मुलाजिम हैं, लेकिन इस टेबल के अंदर सारे मुलाजिम जितने भी इम्प्लॉयज़ हैं तमाम मुलाजिमों का रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन कुछ ऐसे मुलाजिम हैं जो दूसरे मुलाजिम जो हैं उनके हेड हैं, हैं ये भी मुलाजिम अदारे के लेकिन सुपरवाइज़र हैं। सुपरवाइज़र जो होता है उसके अंडर कुछ बंदे होते हैं जिनको उसने इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं, काम करने होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक कॉलेज है, उसमें एक सुपरवाइज़र है जो कि जो जूनियर स्टाफ है, पीएनस क्लर्क्स वगैरह उनका हेड है, एक एम्प्लॉई है, एक सुपरवाइज़र है जो कि रजिस्ट्रार जो होते हैं, जो भी रजिस्ट्रार हैं कॉलेज में उनका हेड है, एक जो है वो जितने भी लैब अटेंडेंट हैं उनका हेड है, है वो भी इम्प्लॉई लेकिन उनका हेड बना हुआ है, सुपरवाइज़र है। तो एक टेबल के अंदर सबका रिकॉर्ड लिखा हुआ है, सारे इम्प्लॉयज़ ही हैं, लेकिन जो जिसका हेड है उसका उसके साथ ताल्लुक बना दिया, ठीक है। मतलब एक बंदा है असलम, वो सुपरवाइज़र है किनका, जो लैब अटेंडेंट है उनका, लैब अटेंडेंट का रिकॉर्ड भी उसी टेबल के अंदर लिखा हुआ है, तो उसको उनके साथ ताल्लुक बना दिया जाएगा। तो एक टेबल का अपने साथ रिलेशनशिप इस सूरत में आ जाता है, इसे हम रिकर्सिव रिलेशनशिप कहते हैं, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे एक बड़ी अहम बात है, आपकी बुक के लास्ट पे MCQ है और बच्चे अमूमन इसमें कन्फ्यूज़ रहते हैं और कुछ टीचर्स भी जो हैं इसमें, बहरहाल वो MCQ ये है कि रिलेशनशिप की कितनी टाइप्स हैं। अब मैंने यहाँ कितनी टाइप्स लिखी हैं, 1, 2, 3, 4, नहीं ये चार नहीं है रिलेशनशिप की टाइप्स। रिलेशनशिप की टाइप तीन होती हैं, कौन कौन सी? यूनरी, बाइनरी, टर्नरी। यूनरी, बाइनरी, टर्नरी। अच्छा, ये जो रिलेशनशिप की टाइप्स मैंने आपको बताएं, यूनिटी, बाइनरी, टर्नरी, ये जिस तरह हमने सी लैंग्वेज में ऑपरेटर आपने पढ़े हैं, आगे हम पढ़ेंगे तो उस तरह से ही है, यूनिटी, बाइनरी और टर्नरी। ये आगे से उनकी टाइप्स हैं
तो रिलेशनशिप कितनी, रिलेशनशिप की टाइप्स कितनी, अगर एमसीक्यू आए तो ये आंसर लगाना है। कैसे? ये जो रिकर्सिव है ये एक टेबल का अपने साथ ही है, ये यूनरी की टाइप में आता है, ठीक है। वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, ये दो टेबल्स का आपस में रिलेशनशिप है ना, दो का। तो ये तीनों असल में किसके अंदर आते हैं? बाइनरी के अंदर आते हैं। बाइनरी दो टेबल हैं, और टर्नरी जो है वो तीन टेबल्स का आपस में होता है, वो हायर कोर्स में नहीं है, टर्नरी तीन का होता है। तो तीन तरह के रिलेशनशिप की टाइप्स होती हैं, चार नहीं होती। कई स्टूडेंट्स इसमें कहते हैं कि जी एक्सरसाइज पीछे गलत आंसर लगा हुआ है। तो बुक में चूंकि इस वजह से बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, क्योंकि बुक में उसने ये बात मेंशन नहीं की हुई, लेकिन मैंने आपको बता दी, क्योंकि हम बीएससी में पढ़ाते हैं तो बीएससी के लेवल पे जो है वो ये बात वाजे लिखी हुई है कि वो यूनरी, बाइनरी, टर्नरी होते हैं। तो ये जो तीन है ये बेसिकली बाइनरी की टाइप्स हैं। अच्छा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वन टू मैनी जो है, या मैनी टू मैनी, या वन टू वन, ये किसकी टाइप है, ये किसकी एग्जाम्पल है? बाइनरी रिलेशनशिप की एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लें, बुक में मैंशन नहीं है। ओके, तो डायग्रामेटिकली ये डायग्राम है, अब टीचर और स्टूडेंट का टेबल है, ठीक है, और टीचर स्टूडेंट का टेबल है। इसको, इसमें कार्डिनलिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डायग्रामेटिकली? कार्डिनलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस टेबल की तरफ वन होता है रिलेशनशिप, वन टू मैनी या वन टू वन, वन मैनी टू मैनी, ये जो है वन होता है वह हम वन लगा देते हैं। जहाँ पे जिस तरफ मैनी होता है वहाँ पे क्रोज फुट लगा देते हैं, क्रोज फुट, क्रो, क्रोज फुट, ठीक है, क्रोस नहीं है, क्रोज फुट है, क्रो यानी कव्वा, क्रोज फुट, उसका कव्वे का जो फुट है, पाँव है, इस तरह से क्रोज फुट, इस तरह से होता ना। तो अब ये जो सिनेरियो, ये मैं यहाँ का सिनेरियो लेता हूँ कैंपस डॉट पीके का, जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, एक टीचर बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है और एक स्टूडेंट बहुत सारे टीचर से भी पढ़ रहा है, मैनी टू मैनी है। तो इस तरफ भी क्रोज फुट लगा देंगे और इस तरफ भी क्रोज फुट लगा देंगे। जबकि अगर ये टीचर और क्लास का होता तो ये वन टू वन था, तो इधर भी वन लगना था, ऐसे एक लाइन लगा देनी थी आपने, और इधर भी वन लगाना था। तो डायग्रामेटिकली कार्डिनलिटी को इस तरह से शो करते हैं। ओके, अच्छा ये जेन में रखनी है, जो एग्जांपल्स हैं ये एमसीक्यू आ जाता होता है। जैसे उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे वो कहता है, एक एग्जांपल उसने दी हुई है कि अ हस्बैंड कैन हैव ओनली वन वाइफ, कि एक हस्बैंड जो है उसकी एक ही वाइफ हो सकती है। तो ये जो रिलेशनशिप है ये वन टू वन का उसने यहाँ बुक में मैंशन किया हुआ है। फिर वो कहता है फादर कैन हैव मैनी चिल्ड्रन, एक बाप के बहुत सारे चिल्ड्रन, बच्चे हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो वन टू मैनी का रिलेशनशिप है, ठीक है। तो इस तरह से एग्जांपल वो आपको रियल लाइफ से दे सकता है कि भाई ये जो है इनका आपस में रिलेशनशिप जो है ये वन टू वन होगा, वन टू मैनी है, मैनी टू मैनी होगा। तो ये आपने जो है इसका आंसर फिर बताना होगा। ओके, उसके बाद मोडेलिटी आती है। मोडेलिटी क्या है? मोडेलिटी कहते हैं नेचर ऑफ रिलेशनशिप को, यानी एक टेबल जो है वो दूसरे टेबल के लिए ज़रूरी है या नहीं है। मतलब एक टेबल के रिकॉर्ड, एक टेबल है उसके अंदर रिकॉर्ड एंटर नहीं होता तो क्या दूसरे टेबल के अंदर भी रिकॉर्ड एंटर नहीं होगा? अगर तो एक टेबल खाली है, रिकॉर्ड एंटर नहीं हुआ तो दूसरे के अंदर भी नहीं होगा। रिलेशनशिप बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, रिलेशनशिप बना हुआ है। अगर इस टेबल में रिकॉर्ड एंटर नहीं हुआ तो इधर भी एंटर नहीं होगा। इसका मतलब है ये वाला टेबल इसके लिए ज़रूरी है, लाजमी है। लेकिन अगर इधर हो या ना हो, इसका रिकॉर्ड एंटर हो नहीं होना, इसका मतलब है ये टेबल इसके लिए लाजमी नहीं है, ठीक है। तो मोडेलिटी के अंदर दो चीज़ें हैं, एक है मैंडेटरी और दूसरा है ऑप्शनल। मैंडेटरी का मतलब होता है कंपलसरी, लाजमी, और ऑप्शनल का मतलब होता है मतलब ऑप्शनल है, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। तो अगर मैं कहता हूँ जी कि टीचर के टेबल में, अब मुझे बताएं टीचर और स्टूडेंट के केस में क्या टीचर का रिकॉर्ड एंटर हो, अगर ना हो, कोई टीचर हो ही ना, तो क्या कोई स्टूडेंट एंटर हो सकता है? क्या कोई स्टूडेंट एंटर हो सकता है? या अगर स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर ना हो तो क्या टीचर एंटर का रिकॉर्ड एंटर हो सकता है? किसी भी अदारे के लिए, किसी भी कॉलेज के लिए, जब तक स्टूडेंट नहीं आते तो उनके पास वो टीचर्स को हायर नहीं करते, ठीक है, या वो टीचर्स को जो है बुलाते नहीं हैं, हायर अगर कर लेते हैं उनका रिकॉर्ड एंटर कर लेते हैं। तो डिपेंड करता है अदारे पे, कुछ अदारे जो हैं वो पहले टीचर को हायर कर लेते हैं, कुछ अदारे पहले स्टूडेंट का एडमिशन करते हैं फिर टीचर। तो अगर सिनेरियो इस तरह से है कि जब तक स्टूडेंट कोई आएगा नहीं, टीचर का रिकॉर्ड एंटर नहीं होगा, टीचर कोई नहीं रखेंगे, तो इसका मतलब टीचर के लिए स्टूडेंट का होना ज़रूरी हो जाएगा। तो स्टूडेंट का होना ज़रूरी हो जाएगा, तो स्टूडेंट चूंकि मैंडेटरी हो गया तो स्टूडेंट की तरफ वन लगा देंगे, ठीक है, टीचर के लिए स्टूडेंट का होना ज़रूरी है। तो क्या स्टूडेंट के लिए टीचर का भी होना ज़रूरी है? जब तक टीचर नहीं आता क्या तब तक स्टूडेंट पढ़ेगा किससे? इसका मतलब है कि स्टूडेंट के लिए भी टीचर का होना ज़रूरी है, तो यहाँ पे वन लगा देंगे। अगर ऑप्शनल वाला केस होता तो ज़ीरो लगा देते हैं, मैंडेटरी के लिए वन और ऑप्शनल के लिए ज़ीरो लगा देते हैं। मैंडेटरी के लिए वन लगाते हैं और ऑप्शनल के लिए ज़ीरो।
तो इस डायग्राम के अंदर पहले हम कार्डिनलिटी शो करते हैं अंदर वाली साइड पे, और बाहर वाली साइड पे हम मोडेलिटी को शो करते हैं। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जेन में रखें, बुक में नहीं मेंशन, लिख लें, ये हायर क्लासेस में ये टर्म यूज होती है। कार्डिनलिटी को कहा जाता है मैक्सिमम कार्डिनलिटी, और मोडेलिटी को कहा जाता है मिनिमम कार्डिनलिटी। अगर मिनिमम कार्डिनलिटी का वर्ड यूज हो तो आपने समझ जाना है कि वो बात कर रहा है मोडेलिटी की, ठीक है, और मैक्सिमम कार्डिनलिटी से मुराद कार्डिनलिटी ही है, ठीक है, जो हमने रिलेशनशिप पढ़ी। अच्छा जी, आगे ईयर डायग्राम है। ईयर डायग्राम कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि इस तरह हम जो हमारा टेबल होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल के अंदर, और जो एट्रीब्यूट होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से ओवल के अंदर। फॉर एग्जांपल ये आईडी है टीचर का, ये टीचर का नेम है, ठीक है, और फिर रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं लाइन से, और कार्डिनलिटी मोडेलिटी मैंने आपको बता दिया। ईयर डायग्राम जो है वो बनाने के लिए तो नहीं आपको आएगी, लेकिन इसके जो कंपोनेंट्स बताएं ये एमसीक्यू में आ सकते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद जी नेक्स्ट है हमारे पास डेटाबेस डिज़ाइन। डेटाबेस को जब हमने डिज़ाइन करना होता है, ये भी हमने पीछे पढ़ा कि सबसे पहले हम उसकी प्लानिंग करते हैं, उसके बाद हम करते हैं एनालिसिस। ये जो प्लानिंग और एनालिसिस है ये बुक में है, इसको जो है वो अंडरलाइन कर लें, इसको नोट कर लें, हाईलाइट कर लें चाहे। प्लानिंग और जो एनालिसिस है, ये जो पहले दो स्टेप्स हैं, इनको कहते हैं इंटरप्राइज डेटा मॉडल। और फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास डिज़ाइन। डिज़ाइन के दो टाइप्स हैं, लॉजिकल और फिजिकल, ये हमने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा। डिज़ाइन के दो टाइप्स होती हैं, लॉजिकल डिज़ाइन और फिजिकल डिज़ाइन। इस प्रोसेस को, ये जो दो प्रोसेस हैं लॉजिकल फिजिकल डिज़ाइन, इनको कहा जाता है कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल। और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन और डाटा बेस रिपोजिट्रीज, इनको कहा जाता है टेक्नोलॉजी मॉडल, ठीक है। तो ये जो प्लानिंग और एनालिसिस है ये हमने पढ़ लिया, अब ये डिज़ाइनिंग अब हम पढ़ने लगे हैं, ठीक है। तो ये देख लें ज़रा डिज़ाइनिंग क्या है। सबसे पहले तो डिज़ाइन की हमारे पास दो टाइप्स हैं जो मैंने आपको बताया, लॉजिकल और फिजिकल। तो पहले हम पढ़ते हैं कि लॉजिकल डिज़ाइन क्या है, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि फिजिकल डिज़ाइन क्या होता है। स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि जो लॉजिकल डिज़ाइन होता है उसमें हम डेटा बेस के, ये वही बात मैं आपको बता रहा हूँ जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, आसान अल्फाज में मैंने आपको करके बताई थी, वही बात बता रहा हूँ मैं कि जो लॉजिकल डाटा बेस डिज़ाइन होता है इसे हम कॉन्सेप्चुअल डाटा बेस डिज़ाइन भी कहते हैं। ये बात पहले आप अंडरलाइन कर लें, कॉन्सेप्चुअल डाटा बेस डिज़ाइन। अच्छा, अब लॉजिकल डिज़ाइन से मुराद ये होता है, आसान अल्फाज में अगर हम कहें कि हमारा जो डेटा बेस है उसके जो इंटरनल कंपोनेंट्स हैं, अंदरूनी कंपोनेंट्स जिनके ऊपर मेन वर्किंग हो रही है अंदर से, वो कौन कौन से हैं, उनको आइडेंटिफाई करना ये डिज़ाइन कहलाता है। अच्छा, यहाँ एक बात ध्यान में रखनी है कि डिज़ाइन से मुराद डायग्राम्स वगैरह बनाना नहीं होता, ड्राइंग्स करना, डायग्राम्स वगैरह। वो डायग्राम हमने पीछे ईयर डायग्राम बनाई है, वो हम डाटा एनालिसिस के अंदर बनाते हैं। इसके अंदर हम सिर्फ लिखते हैं अपने पास जो हमारे डेटाबेस की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो अंदर जो चीज़ें, जो कंपोनेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं उनको हम लिख लेते हैं अपने पास, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन जो होता है, यानी लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन जो होता है, उसके अंदर हमारे डेटाबेस के अंदरूनी जो चीज़ें उनको आइडेंटिफाई करते हैं, अपने पास नोट करते हैं। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हमारे पास है रिप्रेजेंट एंटिटीज़। एंटिटीज़ देखते हैं भाई इस पूरे डेटाबेस में टेबल्स कौन कौन से हैं। अच्छा, फिर उन एंटिटीज़ का आपस में रिलेशनशिप क्या है वो देखते हैं, रिप्रेजेंट रिलेशनशिप, किसका किसके साथ रिलेशनशिप है ये देखते हैं। तीसरा जो काम हम करते हैं वो है मर्ज द रिलेशंस। मर्ज द रिलेशंस, रिलेशनशिप नहीं, रिलेशन किसे कहते हैं, टेबल का दूसरा नाम है रिलेशन। ये हमने पढ़ा हुआ है, टेबल, फाइल, रिलेशन, डाटा ऑब्जेक्ट, सेट, डाटा सेट, एंटिटीज, ये टेबल का नाम है, फाइल, ठीक है। अच्छा, तो ये जो हमने टेबल देखे उनका आपस में रिलेशनशिप देखा, फिर टेबल्स को मर्ज कर देते हैं हम। टेबल को मर्ज करने से क्या मुराद है, दो ऐसे टेबल हैं जिनके अंदर तकरीबन फील्ड सेम है, सिर्फ एक दो का फ़र्क है, तो हम उनको मिला के एक टेबल बना देते हैं। इसे कहते हैं मर्ज द रिलेशन, यानी रिलेशंस को आपस में मर्ज कर देना, ठीक है। अच्छा जी, सुमाविया का क्वेश्चन है कि रिलेशनशिप को डायमंड शेप में लिखते हैं। बेटे, रिलेशनशिप जो होता है उसको लिखने के लिए हम डायमंड शेप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रिलेशनशिप को शो किससे करते हैं, रिलेशनशिप को किससे शो करते हैं, लाइन से शो करते हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, अक्सर बच्चे इसमें आंसर गलत कर देते हैं कि डायमंड सिंबल से रिलेशनशिप को शो करते हैं, रिलेशनशिप को लाइन से ही शो करते हैं।
डायमंड सिंबल में सिर्फ उनका जो ताल्लुक है वो लिखते हैं, जैसे मैंने टीचर टी स्टूडेंट कहा तो टी जो लिखेंगे वो डायमंड सिंबल के अंदर लिखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ओके। अच्छा, टेबल को मर्ज कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉई का रिकॉर्ड है, और मतलब एक अदारा है उसने अपने एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड रखा हुआ है, एक टेबल है ओल्ड एम्प्लॉयज़ का जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं, एक टेबल है न्यू एम्प्लॉयज़ का जो नए उन्होंने हायर किए हैं। अच्छा, हैं तो दोनों एम्प्लॉयज़ ही, इसके अंदर भी एम्प्लॉई आईडी है, उसके अंदर भी एम्प्लॉई आईडी है, इसके अंदर भी एम्प्लॉई नेम है, उसके अंदर भी एम्प्लॉई नेम है, सब कुछ सेम है। फ़र्क क्या है कि ये पुराने हैं ये नए हैं। तो दो टेबल्स बनाने का मकसद नहीं है, जितने ज़्यादा टेबल्स बनाएंगे डेटाबेस में उतना हमारा डेटाबेस मोर कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, मजीद पेचीदा होता चला जाएगा। अच्छा, हमने इस पेचीदगी को कम से कम करना होता है, रिड्यूस करना होता है। तो दो टेबल हैं जिनकी फील्ड्स तकरीबन सेम है, फ़र्क क्या था जी कि ये ओल्ड है ये न्यू है, तो क्यों ना एक टेबल बनाया जाए और इसका नाम सिर्फ एम्प्लॉई रखा जाए, और एक नई सिर्फ एक फील्ड ऐड कर दें, उस फील्ड का नाम लिख दें डेट ऑफ ज्वाइनिंग कि इस एम्प्लॉई ने किस डेट को ज्वाइन किया था। अब डेट ऑफ ज्वाइनिंग को देख के पता लग जाएगा कौन सा ओल्ड और कौन सा न्यू है। तो बजाय इसके कि दो दो टेबल बनाएं, ओल्ड एम्प्लॉई न्यू एम्प्लॉई दोनों की फील्ड्स तकरीबन सेम है, तो उनको एक करें, एक नई फील्ड बना दें, जो मकसद था उनको लैदा करने का वो भी पूरा हो जाएगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग कर देंगे तो पता लग जाएगा कि कौन कब किसने कब ज्वाइन किया था, और जो है न्यू और ओल्ड भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और टेबल भी एक बन जाएगा। ओके, और फिर हम एंड पे करते हैं नॉर्मलाइज़ द रिलेशंस, टेबल्स को नॉर्मलाइज़ करना। स्टूडेंट, नॉर्मलाइजेशन जो है ये चैप्टर नंबर 4 में है, वहाँ पे हम पढ़ेंगे, लेकिन एक बात यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। अच्छा, एक और बात मैं बताना भूल गया, सॉरी, वो ये है, एक टर्म है जिसे कहते हैं व्यू इंटीग्रेशन। व्यू इंटीग्रेशन क्या है? व्यू इंटीग्रेशन ये वो प्रोसेस है जिसमें हमने भी टेबल्स को मर्ज किया, रिलेशन को जो मर्ज करना होता है इस प्रोसेस को कहते हैं व्यू इंटीग्रेशन। ये अंडरलाइन कर ले, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद चौथा काम जो हम करते हैं लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर, वो ये है कि हम रिलेशंस को, टेबल्स को नॉर्मलाइज़ करते हैं। नॉर्मलाइज़ का मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर को सिंपल और स्टेबल डाटा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेना, मतलब एक पेचीदा डाटा स्ट्रक्चर है उसमें जो गैर ज़रूरी चीज़ें उनको निकाल के उसको सिंपल और स्टेबल डाटा स्ट्रक्चर बना देना। और ये हम कैसे बनाते हैं चैप्टर 4 में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो है इसके ऊपर डिस्कशन नहीं है, उसने लिखा भी हुआ है क्या, डिटेल डिस्कशन इज़ गिवन इन चैप्टर नंबर 4। ओके, तो उसके बाद लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के बाद हमारे पास जो अगला डेटाबेस डिज़ाइन है वो है फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन। फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन से मुराद ये है कि हम अपने सॉफ्टवेयर, जो हमारा डेटाबेस है जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसका जो एक्सटर्नल कंपोनेंट्स हैं, उसके बैरूनी जो हम जिन पे वर्किंग करते हैं वो कौन कौन से हैं। अच्छा, फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर जब भी हमने फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन करना है, वो पढ़ने से पहले आपने तीन चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। ये तीन चीज़ें होंगी तो फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन हम क्रिएट कर पाएंगे, वरना फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन क्रिएट हो नहीं सकता। मतलब आसान अल्फाज में कहूँ तो ये तीन इनपुट्स हैं जो कि फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन में ज़रूरी हैं। इनपुट्स हैं किसके लिए? फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन के लिए। ये तीन इनपुट्स क्या हैं? देखें, फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन बनाने से पहले हमारे पास लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन बना होना चाहिए। लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन की जो चार हमने चीज़ें पढ़ी हैं वो हमारे पास होनी चाहिए। दूसरी चीज़, यूज़र की तमाम तर रिक्वायरमेंट्स, तमाम तर ज़रूरियात, उसकी नीड्स हमारे पास मौजूद होनी चाहिए ताकि हम फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन कर सकें। और तीसरी चीज़ ये है कि जिस इन्वायरमेंट में, जिस माहौल में हमने डेटाबेस को यूज़ करना है, उस माहौल के बारे में खसूसियात का हमें पता होना चाहिए। लेकिन डेटाबेस किसी भी अदारे का हो, हर एक अदारे का अपना एक इन्वायरमेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ अदारों का जो डेटाबेस है वो 24 घंटे इस्तेमाल होता है, इतवार को भी यूज़ हो रहा होता है। कुछ इदारों का डेटाबेस जो है वो दिन में जो है वो 6 घंटे 7 घंटे सिर्फ इस्तेमाल होता है, संडे और सैटरडे को ऑफ होता है, ठीक है। जैसे अगर हम अकेडमी की बात करें तो वो सिर्फ शाम के टाइम जब अकेडमी लगती है उनका डेटाबेस सिर्फ तब इस्तेमाल होता है, बाकी इस्तेमाल नहीं होता। अगर हम फेसबुक, जीमेल, याहू वगैरह की बात करें तो वो डेटाबेस हर वक्त इस्तेमाल होना है, कोई एक सेकंड भी ऐसा नहीं जब इस्तेमाल ना हो, हर वक्त इस्तेमाल हो रहा होता। तो डेटाबेस का एनवायरनमेंट होता है जिसके बारे में पता होना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंगली हम फिर फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन बना पाएंगे, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, ये एमसीक्यू भी है।
उसके बाद हम फिज़िकल डाटाबेस डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। अब फिज़िकल डाटाबेस डिज़ाइन में हम क्या क्या करते हैं, नंबर वन डाटा वॉल्यूम एंड यूजेज एनालिसिस। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डाटे का वॉल्यूम कितना है, जो हमारे पास डाटाबेस हम क्रिएट करने जा रहे हैं उसके अंदर डाटा कितना का हमारे पास आएगा, कितना ज़्यादा होगा या कितना कम होगा, उसका हमें वॉल्यूम पता होना चाहिए, उसका साइज़ हमें पता होना चाहिए कितना है। अब डिपेंड करता है अदारा कैसा है। अब अगर एक छोटी सी कंपनी है, हमें पता होगा कि इनका डाटाबेस छोटा सा है, लेकिन अगर एक शॉपिंग सेंटर है बहुत बड़ा, शॉपिंग मॉल है, जिनका इतना ज़्यादा डाटाबेस है, हमें पता चल जाएगा अच्छा भाई ये एस्टीमेट, अब हम एस्टीमेट लगा लेते हैं कि इनका इतना ज़्यादा डाटाबेस आना है, तो सॉफ्टवेयर को इसके लिए तैयार रखो। ऐसा ना हो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब उसके अंदर डाटा ज़्यादा आ जाए तो सॉफ्टवेयर जो है वो उसकी कंपैटिबिलिटी ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर के अंदर ये हमने फैसिलिटीज़ रखनी है, पहले ये एस्टीमेट लगा लेना कि भाई इनका डाटाबेस ज़्यादा है या कम। दूसरी चीज़ हम करते हैं यूजेज एनालिसिस, इन्होंने डाटाबेस को यूज़ किस हिसाब से करना है, इसके अंदर वही बात है कि क्या हर वक्त यूज़ करना है या स्पेसिफिक टाइम पर यूज़ करना है, क्या डेली यूज़ करना है या कुछ दिन करना है और उसके बाद नहीं करना, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं, ये एक स्ट्रेटजी है। उसके बाद हम डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी देखते हैं। दूसरी चीज़, डेटाबेस जब भी बनता है किसी कंपनी के पास, तो कंपनी के जितने भी वर्कर्स होते हैं, कंपनी के जितने भी इम्प्लॉयज़ होते हैं जिन्होंने उस डेटाबेस को यूज़ करना होता है, उसको यूज़ करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके, इसको कहते हैं डेटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी। तो चार तरीके हैं, अब ये कंपनी पर डिपेंड करता है, कंपनी जैसा करना चाहती है हम उसको करके दे देते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो है सेंट्रलाइज्ड। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें एक कंप्यूटर जो है सेंट्रलाइज्ड हो, मतलब एक कंप्यूटर सर्वर कंप्यूटर बना दिया जाए, सारा डाटा उस सेंटर कंप्यूटर के ऊपर रख दिया जाए, सर्वर कंप्यूटर के ऊपर सारा डाटा आ गया, बाकी जो लोग हैं जो बाकी यूज़ करने वाले हैं सिर्फ उस सेंट्रल कंप्यूटर पे पड़े हुए डाटा को यूज़ करें, बाकी सिर्फ यूज़ करें उनके कंप्यूटर पे पड़ा नहीं हुआ। जैसे एक अदारे का बॉस कहता है कि सारा डाटाबेस मेरे कंप्यूटर पे रखो, जब तक मैं ना चाहूँ कोई डिलीट ना करे, जब तक मैं ना चाहूँ कोई चेंज ना करे, बाकी सिर्फ इसको यूज़ करें। तो ये क्या है, सेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी है। अच्छा, इसका एक फ़ायदा यह है कि इसकी सिक्योरिटी अच्छी होती है, ठीक है, और एक इसका तीन इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। एक तो सिक्योरिटी अच्छी, इसका एडवांटेज है, यहाँ लिखा नहीं हुआ, लिख लें कि एडवांटेज इसका यह है कि इसकी सिक्योरिटी अच्छी है। तीन इसके नुकसान आते हैं, एक तो ये महंगा पड़ता है हमें, कॉस्टली होता है। दूसरा, ये अगर सेंट्रल कंप्यूटर फेल हो जाता है, सेंट्रल जिस पे डाटा पड़ा हुआ कंप्यूटर ही ख़राब हो जाते हैं, डाटा वहाँ से लॉस्ट हो जाता है, तो सारा डाटाबेस ज़ाया। और तीसरा जो इसका नुकसान है वो ये है कि डाटा जो है वो रेडिली एक्सेसिबल हमेशा नहीं होता। मतलब अगर सेंट्रलाइज कंप्यूटर पे डाटाबेस पड़ा हुआ है, ठीक है, तो अगर हमारे इंटरनेट की प्रॉब्लम हो गई है या सेंट्रलाइज जो सेंटर कंप्यूटर है उसके इंटरनेट की प्रॉब्लम हो गई है या नेटवर्क का कोई मसला आ गया, तो डाटा हमारे लिए हर वक्त एक्सेसिबल नहीं होता, कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन जो चीज़ हमारे कंप्यूटर में ही पड़ी हुई है वो हमारे लिए हर वक्त एक्सेसिबल होती है, ऑन कर ली हमने कंप्यूटर को या मोबाइल को ऑन कर लिया तो वो चीज़ हमारे लिए एक्सेसिबल हो गई। तो ये तीन इसके नुकसान है। दूसरा जो है डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी जो है, दूसरी स्ट्रेटजी है पार्टीशन। पार्टीशन का मतलब है उसकी फ्रेगमेंट्स कर देना, फ्रेगमेंट का मतलब है उसको डिवाइड कर देना, जिसको जितना चाहिए डेटाबेस उसको उतना डिवाइड करके दे दिए, जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है उसको उतना करके दे दिया। और उसके बाद रिप्लिकेटेड, रिप्लिकेटेड का मतलब है मुकम्मल तौर पे पूरे पूरे डेटाबेस की कॉपी बना के हर एक बंदे को दे दी जिस जिसको चाहिए कंपनी में, ठीक है। और चौथी जो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी है वो है हाइब्रिड। हाइब्रिड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी ऐसी होती है जिसके अंदर जो कि कम्बिनेशन, मैंने कहा था आपको फर्स्ट ईयर में बताया था हाइब्रिड का जो वर्ड है ये आगे भी आएगा, इसका मतलब कम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। हाइब्रिड जो है ये क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल फ्रेगमेंट्स का कम्बिनेशन है। मतलब इस स्ट्रेटजी में हम क्रिटिकल फ्रेगमेंट्स भी बना लेते हैं और नॉन क्रिटिकल फ्रेगमेंट्स भी बना लेते हैं, ठीक है। अब क्रिटिकल फ्रेगमेंट्स क्या हैं और नॉन क्रिटिकल फ्रेगमेंट्स क्या हैं? क्रिटिकल फ्रेगमेंट जो हैं वो उसका मतलब ये है कि हर कंप्यूटर पे कॉपी पड़ी हो, जैसे रिप्लिकेटेड अभी हमने पढ़ा, हर कंप्यूटर को मुकम्मल कॉपी दे, जिसको जो चाहिए नहीं भी चाहिए सारी कॉपी हर कंप्यूटर पे रख दी, ये क्रिटिकल फ्रेगमेंट है। और नॉन क्रिटिकल फ्रेगमेंट सेंट्रलाइज्ड है कि एक कंप्यूटर पे रख दिया जाए बाकी उसको यूज़ करें, तो सेंट्रल कंप्यूटर पे भी रखा हुआ है और सब बाकियों को भी दे दिया। क्यों? क्योंकि अगर सेंट्रल कंप्यूटर ख़राब हो जाता तो बाकियों के पास तो पड़ा रहे ना, मतलब वो जो तीन डिसएडवांटेजेस हमने पढ़े थे उनसे बचने के लिए हमने उनके पास भी रखवा दिया और सेंट्रल कंप्यूटर पे भी रखवा दिया। अब क्या होगा कि अगर कहीं से डाटा लॉस्ट भी हो जाता तो कोई बात नहीं, दूसरी जगहों पे तो पड़ा ही हुआ है। तो ये हाइब्रिड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी है, जो कंपनी चाहती है हम उसको उस तरह से करके दे देते हैं। उसके बाद फाइल ऑर्गेनाइजेशन है। फाइल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि इसके अंदर हम ये देखते हैं कि फाइल को किस तरह से हमने स्टोरेज डिवाइस पे रखवाना है, किस तरह से फाइल स्टोर होगी स्टोरेज डिवाइस के ऊपर, उसके अंदर हम इंश्योर करते हैं कि फाइल की सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, इंश्योर करते हैं कि गलती से डाटा डिलीट भी नहीं होना चाहिए,
क्योंकि हम बना के दे रहे हैं उसको फाइल, जब भी वो फाइल डिलीट करने लगे उसको वार्निंग मैसेज शो हो, ठीक है, उसके अंदर बैकअप और रिकवरी की ऑप्शन होनी चाहिए, फाइल जो है उसे जल्दी से जल्दी डाटा निकलना चाहिए, फास्ट एक्सेस हो फाइल, जैसे रैंडम एक्सेस हमने पढ़ी थी चैप्टर वन में, तो फाइल ऐसी होनी चाहिए कि रैंडम एक्सेस हो। तो ये सारी चीज़ें हमने देख के फाइल को क्रिएट करना होता है। उसके बाद जो हम अगला काम करते हैं फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन में, वो है इंडेक्सेस। और इंडेक्सेस मैंने चैप्टर टू में आपको पढ़ाया था कि इंडेक्सेस बेसिकली रेफरेंस होते हैं जो हम लगा लेते हैं। किसके ऊपर लगाते हैं जी इंडेक्स? हम मुख्तलिफ फील्ड्स के ऊपर लगाते हैं जिससे हमने कल को डाटा सर्च करना होता है, नेम से सर्च करना डाटा, या हमने रोल नंबर से सर्च करना डाटा, या हमने एड्रेस से, फ़ोन नंबर से, जिससे भी सर्च करना है हम उसके ऊपर इंडेक्स लगा देते हैं, रेफरेंस लगा देते हैं, तो कल को वहीं से फिर हम उसको ईजिली सर्च कर लेते हैं। और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, वो आपसे पूछ सकता है कि इंडेक्स जो है वो हम किस की के ऊपर लगाते हैं, प्राइमरी की के ऊपर, फॉरेन के ऊपर, सेकेंडरी के ऊपर, कीज़, मतलब मुख्तलिफ तरह की कीज़ हैं ना, मुख्तलिफ तरह की फील्ड्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, तो आपने इसका आंसर लगाना है कि एनी ऑफ दी अबव, किसी के ऊपर भी हम लगा सकते हैं, सेकेंडरी की के ऊपर भी इंडेक्स लग सकता है, प्राइमरी की के ऊपर भी लग सकता है, कंपोजिट की के ऊपर भी लग सकता है, फॉरेन की के ऊपर भी लग सकता है, सॉर्ट की के ऊपर भी लग सकता है, कनकेटिनेट की, अल्टरनेट की, किसी के ऊपर भी लगाया जा सकता है। उसके बाद है इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट। स्टूडेंट्स, इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट अगले चैप्टर में भी है, यहाँ पे भी आपने याद रखना है। डेटा इंटेग्रिटी से मुराद, वैसे मैंने आपको इसका मायने बताया, सालमियत होता है, मतलब करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा, डेटा बिल्कुल करेक्ट हो और उसके अंदर तसलसल रहे, बरकरार, कंसिस्टेंसी हो, मतलब एक जगह पे चेंज करें तो दूसरी जगह भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, इतना करेक्ट हो हमारा डेटा, इतना वो कंसिस्टेंट हो हमारा डेटा कि एक जगह पे चेंज करें दूसरी जगह पे भी चेंज हो जाए और उसके अंदर कोई भी गलती के चांसेस ना हो, कोई फील्ड हाली छोड़ें तो हमें एरर मैसेज दे दे, कहीं पे कोई डुप्लीकेशन आने लग जाए तो हमें एरर मैसेज दे दे, तो ये सिक्योरिटी भी इसके अंदर आ जाती है कि डाटा की हमारी सिक्योरिटी भी अच्छी हो जाती है। तो ये पाँच चीज़ें जो हैं ये फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर हम देखते हैं। और जब डिज़ाइनिंग हो जाती है तो हम इम्प्लीमेंटेशन करवा देते हैं। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है जिसको ज़रूरत थी, जिसके लिए हमने बनाया था उसको दे देना कि भाई अब तुम इसको यूज़ कर लो। और लास्ट पर डेटाबेस रिपोजिटरीज, हमने उस डायग्राम में लिखा हुआ है, डेटाबेस रिपोजिटरीज का मतलब होता है कि शुरू से ले कर एंड तक हमने जो भी काम किया है, क्या क्या किया, हमने प्लानिंग की, एनालिसिस किया, डिज़ाइनिंग की, फिजिकल, लॉजिकल, इम्प्लीमेंटेशन की, जो कुछ काम किया हम साथ उसको लिखते रहते हैं ताकि कल को हमारे पास रिकॉर्ड हो। अगर इस तरह के डेटाबेस दोबारा क्रिएट करना है तो हमारे पास पड़ा हो रिकॉर्ड सारा कि भाई हमने ये चीज़ ऐसे बनाई थी, तो हर चीज़ ईच एंड डिटेल हम साथ साथ लिखते रहते हैं, इसको कहते हैं डेटाबेस रिपोजिटरीज, यानी डेटाबेस की रिपोर्ट्स तैयार हो जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अच्छा जी, एक क्वेश्चन है काशान का, सर सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी कौन सी है? बेटे डिपेंड करता है कि आपके अदारे की रिक्वायरमेंट क्या है। मसलन एक अदारे का जो हेड है वो कहता है भाई डेटाबेस जो है मेरे पास होना चाहिए और कोई भी शख्स जो है इसको मेरी मर्ज़ी के बगैर ना देख सके, ना डिलीट कर सके, ना चेंज कर सके, तो वहाँ पे फिर क्या हम पार्टीशन बनाएंगे, क्या वहाँ पे हम रिप्लिकेट करेंगे, क्या वहाँ पे हम हाइब्रिड बनाएंगे? हम तो वहाँ बना ही नहीं सकते क्योंकि अदारे की रिक्वायरमेंट कुछ और है। अदारे की रिक्वायरमेंट क्या है? सेंट्रलाइज्ड, वहाँ सेंट्रलाइज्ड बेस्ट है। ठीक है, एक अदारा है वो कहता है जी कि जिसको जो चाहिए दे दो, हमारा डेटाबेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरी पूरी कॉपी बना के सबको दे दो, जिसको जो नहीं भी चाहिए उसको पकड़ा दो, तो वहाँ पे फिर हम सेंट्रलाइज नहीं करेंगे, सेंट्रलाइज में तो कॉस्ट हाई होती। तो डिपेंड करता है हमारे अदारे की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि बेस्ट कौन सी है और बुरी कौन सी है। ठीक है, सो हाँ, अगर ये देखा जाए ओवरऑल अदारे की रिक्वायरमेंट को हम एक तरफ रख दें और ओवरऑल देखें डिसएडवांटेजेस के मुताबिक, तो सेंट्रलाइज्ड में हमें तीन नुकसान मिल रहे हैं, रिप्लिकेटेड में हमें नुकसान मिल रहा है, स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा यूज़ होगी, सबको जितना चाहिए वो हम देते जा रहे हैं, हाइब्रिड में भी बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी यूज़ हो रही है, तो रिप्लिकेटेड जो है वो इस लिहाज से अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसमें जिसको जितना चाहिए उसको उतना दे दिया, उसको उसकी जितनी ज़रूरत है उसको उतना दे दिया, तो रिप्लिकेटेड जो है वो वहाँ पर फिर बेस्ट होगा। ठीक है, सॉरी पार्टीशन रिप्लिकेटेड में तो हमारा डाटा मेमोरी ज़्यादा यूज़ हो रही है क्योंकि पूरे पूरे डाटा कॉपी बना के हम दे रहे हैं रिप्लिकेटेड में, जबकि पार्टीशन जो है वो बेस्ट होगा क्योंकि उसमें जिसको जितना चाहिए हम उतना दे रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन ये डिपेंड फिर भी करता है कि हमारे इदारे की रिक्वायरमेंट क्या है। सो अब आपके सामने एक टेस्ट आएगा, आप उसको सॉल्व करें, तो उसके बाद फिर उस टेस्ट का फीडबैक भी करते हैं। ठीक है जी, टेस्ट चलाओ।